क्या बिहार की जमीन के नीचे तेल का भंडार है? क्या गंगा नदी के ठीक नीचे तेल का समुद्र मिलने वाला है? ONGC यानी ऑयल नेशनल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यहाँ से कुछ बड़ा सबूत मिला है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिससे पता चला है कि बिहार में तेल का समुद्र है। चलिए आज हम जानेंगे बिहार का कौन सा है वो जिला जहाँ तेल का समुद्र पाया गया है। दोस्तों वो जगह है समस्तीपुर। जी हाँ, समस्तीपुर में तेल का भंडार पाया गया है। दरअसल कुछ समय पहले इस इलाका का डेटा लिया गया था जिससे ये बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि बिहार के गंगा नदी के बेसिन के नीचे तेल का बहुत बड़ा भंडार मिलने वाला है। अब क्या वाकई में बिहार के गंगा नदी के नीचे तेल का भंडार है? इस बात का पता लगाने के लिए जल्द ही देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पूरी टीम समस्तीपुर आएगी और बड़े लेवल पर रिसर्च करेगी। कुछ एनालिसिस भी होंगे। अगर बिहार की जमीन के नीचे सच में तेल का भंडार मिलता है तो फिर बिहार ही नहीं पूरे भारत के खर्च पर बदलाव आएगा। दुनिया में आज हर कोई सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है, लेकिन अगर कोई ऊपर से ही वरदान लेकर आया हो तो उसे आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही हाल है बिहार का। जिला चलाने के लिए केंद्र सरकार फंड देती है, राज्य चलाने के लिए केंद्र सरकार ही मदद करती है, लेकिन बिहार में वो फंड पहले है या यूं कहें गॉड गिफ्टेड है। यहाँ के लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं। केंद्र सरकार जो फंड जारी करती है विकास लाने के लिए, अब इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के पास इतना रेवेन्यू आ जाएगा कि वो भारत सरकार को देगी देश चलाने के लिए। बिहार के लोगों को अंडरग्राउंड ऑयल मार्केट मिलने से बहुत तरह के फायदे होंगे। यहाँ लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, वो खुद अपने एम्प्लॉयमेंट बूस्ट कर सकते हैं, अपने इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए फैक्ट्रीज तैयार किए जाएंगे जिससे विकास होगा, रोजगार बढ़ेगी, देश की ऊर्जा में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बिहार में तेल भंडार मिलने से और भी कई फायदे होंगे, जैसे देश के ऊपर जो बोझ है वो भी कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम 80% तेल बाहर से खरीदते हैं, वो भी पैसे देकर नहीं डॉलर से। तो अगर बिहार में सच में तेल का भंडार मिल जाता है तो यहाँ के युवा शिक्षित हो जाएंगे, लोग नौकरी की तरफ अपने बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोचेंगे, देश मुनाफा कमाएगा, तेल के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताया गया है कि बिहार एक इकलौता राज्य है जहाँ तेल का भंडार पाया गया है। बिहार को लेकर लोगों की सोच भी अब बदलेगी। जो लोग सोचते हैं कि बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य है, यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, वो भी बिहार जाकर बिजनेस करने का सोचेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई बिहार में है तेल का भंडार? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे जल्द ही किसी नई जानकारी के साथ।